अच्छा फवाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अपना कितना अभी तक आपने सीख लिया? सर काफी हद तक मैंने सीख लिया है। मतलब जो सर जुबैर साहब ने हमें क्लासें वगैरह दी थी, ठीक है, उसमें एक तो जैसे उन्होंने हमने टूर्स बाय मैंने जो टूर्स बाय किए तो मैं ज्यादा वर्क मैंने एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स पे किया है, जो कैंडल जिसमें जो वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। जो नीचे कैंडल्स में जो वॉल्यूम बनता है एफर्ट एंड रिजल्ट का, उसपे जो बनता है ना 5 मिनट में या 15 मिनट पे, जो आप सडनली आप बाय सेल करते हैं उसमें, ठीक ठीक है, है 10 पिप्स निकाली हैं, 20 पिप्स निकाली तो आपने साइड पे हो गए, ठीक उसपे है ज्यादा वर्क करता हूँ मैं। ठीक हो गया। लेकिन वो समटाइम ज्यादा वो जाता है, मतलब आज मैंने कमा लिए 10 डॉलर 15 डॉलर, तो कल फिर कमा लिए, परसों परसों फिर कमा लिए, वो तीसरे चौथे दिन वो सारे निकल जाते हैं। अच्छा ये होता है मेरे साथ स्ट्रेटेजी, ठीक हो गया। स्ट्रेटेजी कुछ सही फिक्स नहीं हो रही मेरे साथ, और मार्केट स्ट्रक्चर वाइज जो सा लॉन्ग मैं नहीं पकड़ पाता, अच्छा जैसे ठीक है। एक ट्रेड लॉन्ग चलती है वो नहीं, मैं उस पर नहीं काम कर पा रहा अभी। ठीक। स्क्रीन विजिबल है आपको? जी बिल्कुल विजिबल है। ठीक हो गया। किस पेयर पर काम कर रहे हैं आप? एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स पे, हाँ पेयर 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 पे, इस पे गोल्ड पे कर रहा हूँ, ठीक है XAUUSD पे, ठीक है ओंडा पे। ठीक है। और एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स यूज करते हैं, और क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स नहीं यूज कर रहे? क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, इस पे मैं एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स यूज करता हूँ, उसके साथ मैं वेव चार्ट इंडेक्स लगा लेता हूँ, तो ठीक हो गया। क्यूमुलेटिव नहीं यूज कर रहा हूं। ये वाला यूज कर रहे हैं एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स? जी जी बिल्कुल, ये वाला ठीक है। इसको कैसे यूज कर रहे हैं मुझे बताएं। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं। जी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे वेव चार्ट भी है, लगा लें वेव चार्ट इंडेक्स ये जो ले, है। वेव चार्ट भी लग गया। जी ठीक है, इसपे 1000 मैंने रखा हुआ है डिवाइडर जो सर ने वो ठीक बताया है। था, हाँ वो ठीक है। वन वो वन थाउजेंड रख के। थाउजेंड जी कर लें या 100 कर लें डिवाइजर। ठीक है। ठीक है, अब सर ने बताया था कि जो मतलब एक जो ये है कैंडल, मतलब एक वॉल्यूम आया छोटा, उससे ज्यादा उससे बड़ा एक फिर वॉल्यूम आया, ठीक अच्छा है, फिर हमने उससे ज्यादा नहीं, तीसरे पे हमने इसकी एंट्री ले इसकी लिया, सेटिंग कोई नहीं की आपने? सेटिंग की हुई है इसकी। इसका ये हाई ऑफ प्राइस स्केल क्या रखा हुआ है? कैसे, किसको देख के आपने एडजस्ट किया हुआ इसे? 135.5 पे, कैसे किया? 135.5 पे एडजस्ट कैसे किया? सर ये एक दफा आपने याद होगा, आपने मुझे बताया था, आपने हमें बताया था कि वो तो उस मैंने पे। बताया जी था आपको एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स का। बिल्कुल, सर तो आपने वही ने स्केल जो सर लगा जुबैर दिया साहब इसके ने बताया अंदर? था, सर सर जुबैर साहब ने यह भी नहीं था बताया, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप 100 पे रहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने काम इस पे करना है कि जब एक वॉल्यूम बढ़ेगा उससे एक वॉल्यूम और बढ़ेगा, तीसरे पे आपने एंट्री ले लेनी है। मार्केट स्ट्रक्चर वाइज देखना है, मार्केट सेल में है अच्छा या अच्छा बाय में है, इसके साथ आप मार्केट स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर देख को के आपने यूज एंट्री कर लेनी रहे है। हैं? जी ठीक है। एनालिसिस कैसे कर रहे हैं आप? ये जैसे अब एनालिसिस 15 मिनट ये के है टाइम कि फ्रेम पे एंट्री लेनी है, ठीक है, तो कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप ये बताएं? फोर आवर का टाइम फ्रेम है, उस पे पहले जाके तो उस पे पहले जो लाइनें निशान लगा के, तो फिर 1 आवर पे लगा के, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता ये 4 आवर पे हूँ मैं, ठीक है। फोर हूँ। आवर 1 आवर फोर 15 मिनट आवर जैसे मैंने बताया था वैसे यूज कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल वैसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे ज्यादा जो है ना, मैं इस चीज को पकड़ नहीं पा रहा। उसके साथ डिमांड एंड सप्लाई यूज कर रहे हैं आप?
नहीं, डिमॉर्गन सप्लाई नहीं यूज कर रहा। अच्छा, क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस जी ये नहीं यूज कर रहे नहीं आप? यूज कर रहा, नहीं यूज कर रहा ये। इस पे मेरी वीडियो देखी थी आपने? क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस की जी देखी थी। तीन बनाई थी मैंने इसके ऊपर वीडियोस, वॉच हाँ की जी, थी। वो यूट्यूब पे भी मैंने से पढ़ी हुई है आपकी। बिल्कुल। ये ब्लैक ही रहने दूं या व्हाइट कर दूं? सर कोई बात नहीं, बुला के रहने थे। ठीक हो गया। जी अच्छा, ये 4 आवर पे आ गया मैं, और लेट्स सपोज जी आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल लगा लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगा लिया ठीक आपने। है, ये आपने एक रेजिस्टेंस लेवल लगा लिया, इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, और ये आपने एक, सर ये स्क्रीन जो सा वो मूव नहीं कर रही, ये देखो मूव नहीं कर रही स्क्रीन, नहीं मूव नहीं कर रही। सर अच्छा स्क्रीन मूव नहीं कर रही। अब ठीक है। हाँ अब ठीक अब कर रही है मूव? जी, कर रही ओके जी बिल्कुल। ओके ठीक है। इस पर आपने जनाब एक सपोर्ट लेवल लगा लिया, ऐसे ही है यहाँ पर जी ये बिल्कुल। आपने एक और सपोर्ट एक सपोर्ट एरिया लगा लिया। ठीक है, इस तरह आप इसको लेकर चल रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा के। जी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ये हमने लगा लिया। अब इसका जो मिड, हम 1 आवर पे आ जाएंगे, फिर इसका हम मिड एरिया देखेंगे। अच्छा, ये 1 आवर पे आ गए, इसका अब हम देखेंगे मिडल एरिया, ऐसे ही है? जी मिडल एरिया हम इसमें एक ड्रा कर लेंगे। मिडल एरिया मेरे ख्याल से इसका क्या निकल रहा है अगर मैं देखूं तो? सर ये, हाँ ये वाला एक मिनट, ये एरिया आ गया इसका। बिल्कुल, ये एरिया आ गया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है जी, ये आपका आ गया है किताब का मिडल एरिया। क्या इसको मार्केट टच करती है? मिडल एरिया को टच करके रिजेक्ट होती है नीचे से तो डाउन साइड है, अप साइड से रिजेक्ट होती है तो फिर मार्केट आपको रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सेपरेशन हो गया ना, एक ऊपर एरिया आ गया एक नीचे एरिया आ गया, ठीक है? और मिडल एरिया हमारा एक एरिया का काम करेगा कि मार्केट अगर इससे ऊपर है तो अपसाइड की कंडीशन है, डाउन है तो डाउन साइड की कंडीशन है, ठीक है? बिल्कुल हाँ, इसके ऊपर अब आपने एनालिसिस करना है 1 आवर के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए कर लें, ठीक है? लेट सपोज कि एक सिंपल सा एनालिसिस मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ इसका, कि ये देखें मार्केट यहाँ पर थी, ऐसे ही है, जब यहाँ पर आई है इस लेवल पर तो डिमांड देखें हमें ज़्यादा देखने को मिली है, बिल्कुल देख रहे हैं? तो उसके बाद भी मार्केट ये सेम एरिया पर आई है, ये देखें सेम एरिया पर आई है, तो डिमांड क्या हो गई हमारे पास? डिमांड कम हो गया। कम हो गई। उसके बाद थोड़ा जी अगर इसको जूम इन करूं तो ये रेड कैंडल का एक गैप आया हमारे पास, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई है, बिल्कुल ठीक है? जी ये तो इस बार मार्केट को ज्यादा टाइम मिला है, लेकिन डिमांड देखें तो और कम हो गई। जी यहां पर कंफर्मेशन हो गई है कि ये मिडल एरिया हमारा वर्क कर गया है, डिमांड नहीं आ रही इस पर, पहले डिमांड आई थी अब डिमांड नहीं आ रही, ठीक है? तो यहां से मार्केट रिजेक्ट होगी, मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, ठीक है? इतना आइडिया हो गया, ठीक है? ऑन दी अदर साइड देखें, जब मार्केट नीचे गिरी तो सप्लाई ज्यादा देखने को मिली,
ये देखें सप्लाई आई है यहाँ पर, कंपैरेटिवली सप्लाई बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है, ठीक है। ठीक पर हम हैं भी मिडल एरिया के पास, तो हमने 15 मिनट पे एंट्री करनी है, ठीक है। तो पंद्रह ठीक मिनट पे हमारा ये लेवल निकलेगा ना, ये एंट्री का यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो टूल है, इसे आपने डिमांड एंड सप्लाई ओवरऑल वॉच करनी है। अब सिर्फ आपको इतना पता चल गया है 1 आवर पे कि ठीक है मार्केट मार्केट में डिमांड नजर नहीं आ रही, लेकिन सप्लाई यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। ये 2-3 कैंडल्स पर, ये 3 कैंडल्स जो आए हैं, क्योंकि ये देखे ना, जी पहले भी बिल्कुल 2 कैंडल ड्रॉप हुए हैं तो सप्लाई नहीं आई, ना होने के बराबर है। फिर ये 3 कैंडल ड्रॉप हुए हैं तो सप्लाई ज्यादा देखने को मिली है, देख रहे हैं आप। बिल्कुल और उसके बाद देखें तो ये ग्रीन कैंडल को भी आप बेशक नजर मार ले, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बायर्स का कितना गया है, बायर्स कितना डोमिनेंट हुए हैं, देख रहे हैं आप। लेकिन इतना ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल जाने के बावजूद भी, ठीक है, क्यूमुलेटिव बाइंग है ये, ठीक है, जाने के बावजूद भी डिमांड नहीं आई, ठीक है। नहीं, हाँ हाँ, जी तो बिल्कुल ये हमें क्या साइन देता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, और प्लस हमारे पास मिडल एरिया भी है, ठीक है। जी तो जब बिल्कुल हम इतना एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पर इसने दिखाया जी, मैं 15 मिनट पे आता हूँ। अब मैं 15 मिनट पे आता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको शो करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर इसको शो कर दिया। तो यहाँ पर देखें तो सेल के सिग्नल आना शुरू हो गया ना यहाँ पे, जी बिल्कुल देख रहे हैं, क्योंकि लॉजिक जी हमारी मेट है, मार्केट में डिमांड नहीं है और सप्लाई देखने को मिली है, और एक मिडल एरिया वहां से भी मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो उसके बाद सेल के सिग्नल्स आना शुरू हो गए हमारे पास, तो वैलिड है सेल के सिग्नल के नहीं ये वैलिड वैलिड है। वैलिड और अगर मैं यहां पर भी दिखाऊं आपको, ट्रिपल ये मैंने अगर लगाए हो, ठीक है, तो पहला सेल का सिग्नल आपका यहां से रिसीव हुआ है आपको 2033 से, ठीक है। बिल्कुल अगर आपके पास $1,000 का बैलेंस भी है, तो 2033 पर आपका सेल का ट्रेड है, तो आपका स्टॉप लॉस किधर लगता है, आपका स्टॉप लॉस लगता है ये 33 है, यहाँ पर 2032.5, तो स्टॉप लॉस लगेगा हाई पॉइंट पे, वो आप या आपका यहाँ पर लगेगा 38 पे, 50 पिप्स का मेरे ख्याल से गैप आएगा, ठीक है। जी तो 50 पिप्स के गैप से आप करें ट्रेड, ये बिल्कुल रिजेक्शन लेवल पर आपको मिल रही है, मिडल एरिया पे आपको मिल रही है, लॉजिक भी मैटर है कि डिमांड देखने को नहीं मिल रही, सप्लाई देखने को मिल रही है, तो ट्रेड बनती है यहाँ पर मेरे ख्याल से, ये सेल की ट्रेड करना, जी ठीक है, 50 पिप्स के एसएल के बिल्कुल साथ। फिर हम अगर आगे आते हैं, जी तो यहाँ पर देखें ये फिर सेल की एंट्री आ गई एक, और ये क्यों वैलिड थी सेल की एंट्री, ये आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको याद हो तो, कि सेल की एंट्री क्यों वैलिड है। जी सर, इसमें जो ऊपर है जो पिक टाइम फ्रेम है वो भी हाँ सेल में है, और नीचे वाला जो बिल्कुल शॉर्ट है वो भी सेल में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी वजह से ये हमारी एंट्री वैलिड है, लॉजिक आपको बताई भी है मैंने पहले, ये देखे ना, इसमें भी ऊपर जो है इसकी सेल की वेव थी, नीचे भी सेल की वेव थी, और ये सेल का सिग्नल आया नीचे, और उससे नीचे भी सेल का सिग्नल आया, डबल कंफर्मेशन हो गई हमारे पास, तो देखो यहां से भी मार्केट गिरी है, ठीक है। सर ये 3 टाइम फ्रेम आपने सेट किए हुए हैं, मुझे 2 का ही पता अब बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ मैं,
ठीक है। उसके जी बाद देखो तो यहाँ पर आ जाओ, फिर ये सेल के सिग्नल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो जब आप यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस किधर लगना चाहिए? स्टॉप लॉस हमारा अगर हम यहाँ पे भी करते हैं तो बिल्कुल वो ऊपर ही लगेगा यहीं हमारा पर लगेगा ये एंड पे। 38 पे, ठीक है। जी जी वो 38 पे लगेगा। हाँ आखिरी जो लास्ट इसका हाई पॉइंट 38.4 है, 39 पे लगा लो, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर देखें, सेल का सिग्नल है, फिर ये सेल का सिग्नल है, फिर ये डबल कंफर्मेशन के साथ सेल का सिग्नल है, सही है। मैं कहता जी हूँ अब ये बिल्कुल सही पीछे बात वाला आपने पूरा मूव स्किप कर दिया, आप वेट कर रहे हैं कोई जी। डबल कंफर्मेशन वाला सिग्नल आए, तो उसमें देखो ये डबल कंफर्मेशन वाला सिग्नल आ गया, एक ये सेल का सिग्नल, एक ये, यानी कि ऊपर बिग पिक्चर में सेल की वेव है, नीचे सेल का, नीचे भी सेल की वेव है, सेल का सिग्नल है, फिर सेल की वेव है, सेल का सिग्नल है, और ये आपको सिग्नल मिला है 2032.250 से, जी ठीक है। बिल्कुल। तो यहां पर अगर आप ट्रेड करें तो कितने कैंडल आपको नीचे मिली मार्केट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल नीचे मिली और 2026 पर आई मार्केट, ठीक है। बिल्कुल सही बात तो स्टॉप लॉस वाली मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई हुई है उसके अंदर, कि एक कैंडल के बाद स्टॉप लॉस नीचे कर देना, है जी। नीचे कर यहाँ देना पर स्टॉप लॉस कर देना, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस कर देना, ठीक है। अगर ये कैंडल बड़ा बिल्कुल बन गया तो सही इसके हाफ पे स्टॉप लॉस कर देना, तो आपका स्टॉप लॉस 27.5 पे हिट होता, जी। ऐसे ही ऐसा ही है, बिल्कुल 27.5 पे आपका एसएल हिटता। ये अभी आप, मैं यही कहूंगा कि एज अ बिगिनर अभी आपने अगर ये जी टूल सीखे हैं, इनको साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये 40-50 पिप का मूव जो है वो लॉजिकली ग्रैब करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा ही है। लेकिन सर ये जो ऐसे जो सिचुएशन बनती है ना वो मतलब दिन में एक ही बार अगर बन जाए तो बन जाए, ऐसी सिचुएशन कोई जो मसला तीन नहीं या है, दो टाइम कोई फ्रेम मसला नहीं, होते हैं। कोई मसला नहीं है, ऐसी सिचुएशन 2 से 3 बार भी बन जाए या एक बार भी बन जाए तो इनफ है, लॉजिक तो है ना आपके पास, जी सही बात लॉजिक तो है ना आपके पास। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप 50 पिप भी नहीं लेते, ये भी मेरी बात याद रखिएगा, आप कभी भी यहां पर 50 पिप पर आउट ना हो, उसकी क्या सही रीजन है? बात आप, ये लास्ट इसका लो पॉइंट है 2020 का, और आपकी ट्रेड है 32.5 पे, एटलीस्ट 22 पर आप एग्जिट करेंगे या 23 पर एग्जिट करेंगे, 22 या 23 यहां पर आपका एग्जिट करना बनता है, देख रहे हैं, जी बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलना तो चल सकते हैं। समझ आ रही है? ठीक क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको खत्म करूं तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, जी। सप्लाई इंक्रीज हो रही है अब बिल्कुल यहां तक अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई है, मैं सिर्फ यहां की बात करता हूं, यहां तक की, ठीक है। अब यहां तक सप्लाई इंक्रीज हो गई है, मार्केट नीचे आई, जी। सप्लाई इंक्रीज हुई, तो क्या पता चलता है आपको जी कि मार्केट और नीचे जाएगी, ऐसा ही है। बिल्कुल सप्लाई इंक्रीज हुई, इट्स मीन मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट ने ये स्पाइक अप दिया आपको, लेकिन यहां पर डिमांड देखने को नहीं मिली है, ठीक है। ये देखें, आई है मार्केट नीचे, जी बिल्कुल मार्केट आई नीचे आई है ना नीचे, बिल्कुल तो लॉजिकली अगर आप एक मूव ग्रैब कर लेते हैं तो ये, मेरा नहीं ख्याल कि ये 100 पिप का मूव था, अगर आप इसको ग्रैब करते प्रॉपर वे में, मैं कहता हूं 50 पिप आपने ग्रैब कर लिए, मैं 100 पिप की तो बात ही नहीं करता, लॉजिकली ट्रेडिंग में 50 पिप आपने ग्रैब कर लिए मार्केट का इंटरनल डाटा देखते हुए, तो आप उन ट्रेडर से बेहतर हैं जो विदाउट एनी लॉजिक
चाहे दिन का $1,000 बना लेते हैं, लेकिन वो एट दी एंड वॉश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास लॉजिक होगी, आपका अकाउंट एट दी एंड कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी ट्रेड करनी है वो लॉजिक बेस पर करनी है। समझ आ रही है मेरी बात की? जी आपने कोई भी एंट्री लेनी है सही मार्केट में तो वो लॉजिक बेस पर लेनी है, ठीक है। मैं विदाउट लॉजिक अगर मैं बात $100 बना लूंगा ना दिन का, और आप लॉजिक बेस पर $50 बना लेंगे, ठीक है, तो मुझे बताएं किसने सेफ और रिस्क जी फ्री ट्रेडिंग की, मुझे बताएं। जी लॉजिक वाली डेफिनेटली आपको पता है यार कि मैंने जो $50 बनाए हैं वो तुम्हारे $100 से बेहतर है, ठीक है। मेरे पास लॉजिक थी, मैं कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट सही में ट्रेड करके बैठा था कि मार्केट मेरी फेवर में जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? जी सही सर जुबैर साहब ने एक वो भी बताया था जो जो मूविंग एवरेज पे काम होता है। नहीं लिमिट, वो मूविंग एवरेज पे कौन सा काम होता है? क्या काम है मूविंग एवरेज पे? मतलब जो क्लासे ली थी हमने इस पे प्रीमियम प्लस में, ठीक है, उसमें जो सर जुबैर साहब ने बताया था कि मतलब एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स को देखते हुए मूविंग एवरेज पे भी, मूविंग एवरेज लगा के भी हम काम कर सकते हैं, उसको मतलब मूव पता चल जाता है कि मार्केट अपसाइड है या डाउन साइड है। खैर उनका एक अपना हिसाब होगा, लेकिन मैं तो खैर इसमें कोई ऐसे टूल नहीं यूज कर रहा। मैंने तो ट्रेंड का भी देखा है, तो मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए ट्रेंड दिखाया, ठीक है। तो उसको भी आप देख लेना, वो मेरे ख्याल से कोई बिगिनर्स की स्ट्रेटजी ना हो, ठीक है। ठीक तो है, आप सर ज्यादा काम इसी इसी इन्हीं टूलों पे करते हैं? हाँ, ये वही शेयर किया जिस पर मैं अपना खुद ट्रेड करता हूँ। लॉजिक आपको इसलिए तो दिखाई है मैंने, प्रॉपर लॉजिक नहीं शेयर की मैंने आपके साथ, जी सही बात ठीक है। है। ये सर एक तो जो इसमें क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट है 0.2 और 10 है, दूसरा 0.05 और 4 नहीं, है, और दूसरा जीरो पॉइंट जीरो तीसरा। फाइव और 10 है, तीसरा 0.05 और 4 है। अच्छा ठीक है, 0.05 और 4 है तीसरा। ठीक है, और उसका जो फर्स्ट थ्रेश होल्ड है वो 30 है, ठीक है। जी, वो और जो मैंने दूसरे का भी आपको, 30 है। हाँ, सारों का 30 है। सेटिंग ठीक आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है, ठीक ठीक है। तो ठीक ऐसे लेकर चलना है आपने, ठीक ठीक है। वो ये होता है ना कि सर जी साथ एक 5 मिनट वो खोल कहते लो हैं ना आप, कि ठीक है। ये देखो 5 मिनट पे आ जाओ, मसला नहीं है, चीज यही देखनी है आपने, 5 मिनट पे आ जाओ। अब 5 मिनट पे आते चीज हो यही देखनी है किसी तो देखो, भी टाइम फ्रेम पे, चीज यही देखनी है। जी अब देखो डबल कंफर्मेशन आई है ना बाय की, गया ना बाय में, बिल्कुल, डबल डबल कंफर्मेशन आई है। 16 से बाय में गया है, तो 16-2 पे ट्रेड है और आपका स्टॉप लॉस है 11-7 पे, तो मार्केट किधर गई है? 19 पे गई है। अब 16-2 से 12 पे आपका स्टॉप लॉस है, 40 पिप का स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर आपको 40 पिप मिल गए हैं 20 तक, देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही और बात इसने ये आपको साथ लेकर चला है यहां पर, ये मूव देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बड़ा अच्छा इसने मूव दिया, ये देखो साथ यहां पर स्मॉल बी भी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है पता है? बी। हाँ, एक तो बी है ना बाय का सिग्नल, और एक आगे बी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंटिन्यू, कंटिन्यू इसका मतलब मतलब है कि आपकी कंडीशन वैलिड है अभी तक, ठीक है, जी और आप बिल्कुल बाय वैलिड में है, रह सकते कंटिन्यू हैं, मतलब सही ठीक है। और देखें बात साथ साथ लेकर गया आपको,
सर एक ही पीछे भी 5 मिनट पे आइएगा, ये देखें, ये एक पीछे दो सिग्नल दे रहा है बाइक के, दो ये सिग्नल दे पीछे, रहा है ये वाला, नहीं ये आगे पीछे ये है, अब हमने ये अब आगे जब पीछे है इसका, ये वाला वैलिड है, ये नीचे वाला इस कैंडल के ऊपर है, जो जो इस कैंडल के ऊपर है ना, ये पहले आया ना, ठीक है। तो जी पहले इसमें आया सबसे है। ऊपर वाली वेव बाय की है, दरमियान वाली वेव बाय की है, नीचे वाली वेव बाय की है, प्लस सिग्नल है। तो चलो इसने कैंडल क्लोज पे भी आपने सिग्नल उठा लिया ना 2024.2 पे, आपको पता है ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो 2027 का रेजिस्टेंस लेवल है, 25, 26, 27, 30 पिप का मूव है, 15 तो आप निकाल ही सकते हो। तो और दूसरी ये बात है कि रेजिस्टेंस लेवल है, तो इससे ऊपर जो स्टॉप लॉस है वो तो इसने खाने ही खाने हैं, ठीक है। तो ये 27 तक 27, 7 तक गई है मार्केट, रेजिस्टेंस तक गई है, तो इसमें से 15 पिप निकल सकते थे आपके, 15 से 20 भी निकल सकते थे विद इन सिंगल कैंडल। सही बात और जब यहां पर भी बाय का सिग्नल आ गया बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नीचे देखे ना, नीचे स्मॉल बी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंडीशन आपकी वैलिड है तो आप रह सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि कंडीशन वैलिड है तो रहे बाय में। तो अगर आप ये पूरा कैंडल 5 मिनट का गुजार देते तो 26.7 तक तो मार्केट जाती, और आपका ट्रेड होना था 24.2 से 26.7। ठीक बीस पिप, है 20 पिप से ज्यादा। सही ठीक है, है। लेकिन एक इसके इससे पीछे जो 3 वेव बनी हुई है बाइक की, इसमें अभी सिग्नल कोई नहीं आया, इस ऐसी सिचुएशन में हमने कौन ट्रेड सी नहीं लेनी। वाली, कौन किसमें सिग्नल नहीं आया असूलन? इसके ये अंदर आपका भला इसी से कौन सा पीछे सिग्नल ये, बनता है, मैं हाँ बताता हूँ आपको। असूलन आपका इसके अंदर ये बनता था, लेट मी शो यू, ये वाला बाय बनता था आपका। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बाय बाय की वेव है, उसके नीचे भी बाय की वेव है, उसके नीचे भी बाय की वेव है, साथ बाय का अलर्ट है, सिग्नल ठीक है। तो आप अगर यहां पर ट्रेड करते हैं ना, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, ऐसी सिचुएशन ठीक है, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप यहां पर ट्रेड करते 21.2 से, और स्टॉप लॉस आपका लगता 19.8 पे, ठीक है, ये देखें यहां पर ट्रेड था आपका 21.2 से, और एसएल था यहां पे 19.9 पे या 20 पे कर लें, तो देखें कहां तक मिलता है आपको टीपी, 27 तक जाता है मार्केट, लेकिन आप 27 पर नहीं जाते, आप 25 पे एग्जिट हो जाते हैं, फिर भी 40 पे मिल गए आपको, और एसएल 20 पे क्या, ठीक है। और बाकी सेल के सिग्नल भी आप देख लें आपके सामने, ये देखें डबल सेल आया है यहाँ पर, डबल सेल के बाद मार्केट गिरी है। अपना माइक ना म्यूट कर लें, जब आपने आपका आपने बोलना होता अनम्यूट कर लें, क्योंकि आई थिंक के पीछे कुछ और आ रहा है। 2023.9 से मार्केट गिरी है, 22 तक आई है, डबल कंफर्मेशन के साथ सेल का सिग्नल था ये वाला, तो गिरी है मार्केट नीचे, कंफर्म गिरी है। इसका कोई भी सिग्नल निकाल लेंगे ना आप, तो जनाब प्रॉफिट ही उठाएंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दी है कैसे उसको मैच करना है, एक क्लास और करूंगा आपके साथ, फर्दर उसके अंदर गाइड करूंगा मैं आपको, नो प्रॉब्लम। जी कोई सवाल है तो करो। सवाल सर ये है कि अब जो जैसे अभी हमने मतलब आपने बताया कि 4 आवर में हमने देखना है और जैसे विड्रॉ करना है 1 आवर पे आके, फिर हम एंट्री जो है वो 15 में या 5 में ले लें फिफ्टीन में टूल ले सेट लो, करके। 15 वाली निकल जाएगी ना जब, अच्छा 5 मिनट खोल के रखो एहतियातन, उसमें ज्यादा बेस पे एंट्री निकल सकती मिल सकती है आपको। ये देखो ना, 5 मिनट पे आपको यहाँ पर एंट्री मिल गई, बल्कि यहाँ पर मिली आपको एंट्री इस कैंडल पर 15 पे, ठीक है, बिल्कुल 15 पे एंट्री मिली आपको। और अगर मैं 15 मिनट पे आता हूँ तो यहाँ पर तो 15 मिनट के अंदर एंट्री मेरा नहीं ख्याल के मिली होगी, तो 5 मिनट से बेनिफिट हो गया आपको। जी 5 मिनट से बेनिफिट हो गया, 15 मिनट में एक्सिट नहीं मिलती हाँ, तो कंडीशन, अगर एंट्री। आप कह रहे हैं कि कंडीशन जो लॉजिक है वो तो कभी कभी आती है उसके अंदर, मतलब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखा जाए तो 5 मिनट पे आ जाए ना।
लेकिन लॉजिक सेम मैच हाँ करनी पर है आपने, 15 15 मिनट के ऊपर 1 आवर और 15 मिनट देखना, और फिर 5 मिनट पे ट्रेड करनी है। मिनट ठीक समझ आई मेरी बात की? है ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये मेथड है, और भी टूल्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको लेकर चले तो ये इनफ है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके फीडबैक्स आप देख रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं इस टाइम पे और डेली हाँ बेसिस पर मेरे साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, वो यही स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ट्रिपल वाली, अच्छा वो यही है यही है। ठीक है, साथ मार्केट ठीक स्ट्रक्चर यूज कर लें, उसको ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। मैं फिर इसी पे अब जो होता है वो काम करता हूँ, फोकस ज्यादा करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक हो गया, इस पर फोकस करो, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, ठीक है, और जैसे मैंने बताया उसको लेकर चलो, जी ठीक है। जी ठीक है। पैरामीटर अच्छा जी समझ आ गए हैं ये उसके? सेटिंग बता देना। ओके सेटिंग व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। जी ठीक ठीक है, है चलें, सही है ठीक है। मैं फिर ख्याल इसी पे रखिए फिर काम शुरू अपना, करता हूँ। और फोकस करें, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ठीक है जी, एक क्लास और करूँगा आपके जी साथ। तो एक क्लास और हाँ, एक क्लास और कर करूँगा, लेकिन लो। वो नहीं, वो कल नहीं होगी, पहले इस पर एक हफ्ता गुजारो, जो लॉजिक बताइए उस जी लॉजिक पर ट्रेड करो, फिर मुझे आफ्टर जी अ वीक मुझे इसका एक ओवरव्यू दो। ठीक है, ओवरऑल इसका फीडबैक दो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, ठीक तो ये मेरा रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये मेरा फीडबैक है, तो उसमें फिर जो भी आपकी गलतियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, कोई भी इशू होगा तो वो आपके साथ तो आपको मैं रिजोल्व करूंगा। ठीक हो गया? सची इसमें क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस हाँ मेरे पास है ठीक है, है तो आपके मैंने पास? बाय किए हुए हैं हाँ, आपके पास है, आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस है, ऐसे ही जी मेरे पास चले। ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। जी ठीक है सर बहुत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। ये सर रिकॉर्डिंग तो चले इसमें कोई जरूरत नहीं है वो इतना वो रिकॉर्डिंग मैंने ये अपलोड करनी है, ठीक देख लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, है सर चले ठीक है हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ठीक अपलोड है सर बहुत करूंगा, शुक्रिया। देख लेना, पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जी ठीक है शुक्रिया ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह।